The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Bone pain. क्यों होता है बोन पेन, कैसे होता है बोन पेन, टेंडरनेस बोन, हड्डियां कमजोर, भाई क्या है, मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरी पूरे शरीर दर्द कर रहा है, इज बेसिकली एकिंग एंड डिस्कम्फर्ट जो कि एक से ज्यादा हड्डियों में हो रही है या एक से ज्यादा हड्डियों में बोन पेन हो सकती है. बोन पेन ज्वाइंट पेन नहीं है, याद रखिए, यहां हो रहा है ज्वाइंट है, यहां हो रहा है ज्वाइंट है, लेकिन यहां हो रहा है, यहां हड्डी मसल है, मांसपेशी और हड्डी है, यहाँ जॉइंट है, राइट, यहाँ 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 जॉइंट है कि नहीं. तो जॉइंट पेन अलग है, बोन पेन अलग है, मसल पेन अलग है. जॉइंट मसल बोन ये समझना जरूरी है. मसल पेन मूवमेंट से बढ़ेगा, मसल पे मूवमेंट हो रही है तो बढ़ सकता है, इमोबाइल कर सकता है. जॉइंट पेन प्रेशर आया, उस हाथ पे काम किया, पैर से काम किया तो बढ़ेगा प्रेशर की वजह से. सो ये बोन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, मसल पेन हो गया, ठीक है. हाँ, आ जाओ. सो सोर्स ऑफ बोन पेन नीड्स टू बी क्लियर्ड कि भाई बोन पेन है, क्यों है, क्या है, ठीक है. एक एट्रोपिन तो मैं आ रहा हूं, बीपी ले लेना. तो सोर्स ऑफ बोन पेन हमें क्लियर करना जरूरी है कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं, सबसे पहली बात, हड्डी तो नहीं टूटी. सबसे दूसरी बात, क्या ये कोई किसी प्रकार का बोन कैंसर तो नहीं है जो कैंसर जैसा फैल रहा है, जिसके वजह से बोन पेन हो रहा है. यस, बोन कैंसर कैन कॉज बोन पेन, राइट. और बोन पेन कैन ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ, एक तो हो गया प्राइमरी मैलिग्नेंसी कैंसर, दूसरा कई सारे कैंसर होते हैं जो बोन में फैल जाते हैं. तो बोन पेन कैन बी बिकॉज ऑफ मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी, या फिर अगर किसी कारणवश मान लो ब्लड सप्लाई बंद हो जाए बोन का, जैसे सिकल सेल एनीमिया, या कोई आर्टरी में थ्रोम्बस आ जाए, या बोन इन्फेक्ट हो जाए, ऑस्टियोमायलाइटिस में भी बोन पेन होगा, इन्फेक्शन खुद का बोन का, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई ब्लड ल्यूकीमिया में भी, ब्लड कैंसर में भी बोन पेन हो सकता है, और हड्डी कमजोर हो जाए तो भी बोन पेन हो सकता है. ऑस्टियोपोरोसिस जो हमने अभी बात करी थी बोन डेंसिटी वाले वीडियो पार्ट, और अगर आप बोन का ओवर यूज कर रहे हैं, धड़ाधड़ ओवर यूज कर रहे हैं, यानी कि दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, केयर नहीं कर रहे, बोन की चेकअप नहीं कर रहे, तो भी होगा. कई बार स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है. तो क्या कर सकते हो आप, आपको एक ऑर्थोपेडिशियन को दिखाना होगा, बोन मिनरल डेंसिटी, कैल्शियम लेवल, वाइटामिन डी लेवल कराने होंगे, और जो भी चीज आप गलत कर रहे हो उसको रोकना होगा. अगर आपको बोन पेन है, टेंडरनेस है बोन, टेंडरनेस मतलब दबाने से दर्द, हड्डी दबाते हैं दर्द हो रहा है, हड्डी दबाते ही दर्द हो रहा है, जॉइंट में नहीं, हड्डी दबाते दर्द, ये दोनों चीजें सीरियस हो सकती है, इसको सीरियसली लेना है, जाके चेकअप कराना है. अनएक्सप्लेन्ड बोन पेन कैनॉट बी बेटर. तो जाके वो आपका चेकअप करेंगे, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है, आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, CBC, ब्लड डिफरेंशियल्स, बोन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, हॉर्मोन लेवल्स, राइट, आपके यूरिन स्टडीज, आपके पिट्यूटरी या एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन लेवल्स भी किए जा सकते हैं, ये देखने के लिए कि ये प्रॉब्लम आपकी क्यों है. हर कारण इन सभी से स्टडीज से पूरा हो सकता है, CT, MRI, बोन स्कैन, हार्मोनल स्टडीज, एक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट. फिर बात आती है भी क्या इलाज करें, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन चलती हैं अगर बोन में इन्फ्लामेशन है, हॉर्मोन्स दिए जा सकते हैं अगर हॉर्मोनल प्रॉब्लम है, और अगर आपको बेड रेस्ट दिए जा रहे हैं तो चलोगे फिरोगे नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर एक्सिटिव देना पड़ेगा, पेन रिलीवर्स चल रहे हैं तो गैस हो सकती है, तो गैस्ट्राइटिस के लिए गैस की मेडिसिन देनी पड़ेगी. तो ऐसे एसोसिएटेड चीजें आ जाती है, राइट. एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो फिर प्रोबायोटिक देने पड़ेंगे, सिंपल. सो इफ बोन पेन इज रिलेटेड टू थिनिंग ऑफ बोन्स, तो फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करना होगा. उसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस का वीडियो देखना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब, टाइप करें, देखें, इंजॉय करें. सो अगर कोई सवाल है तो जरूर लिखिए, अभी हमें रश करना है, एक पेशेंट आया है, इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.